हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉली और मेरी किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ गेहूं के आटे से जो रेमेडी बनाने जा रही हूं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। आप स्नैक्स की जगह भी यूज कर सकते हैं, जब भी आपको थोड़ी बहुत भूख लगी हो तब भी आप यूज कर सकते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने, आप देख रहे हैं, आलू लिए हैं, दो आलू लिए हैं कच्चे। कच्चे आलू को ग्रेट कर लिया था पानी के अंदर ताकि काले ना हो। एक मैंने गाजर ली है और एक ही मैंने प्याज लिया है। आपको दिख रहा है, मैंने वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने सारी चीज़ें काट के रखी हैं। तीनों चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अच्छे से स्क्वीज कर लिया है, पानी इसका निकाल दिया है। अब इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट, मतलब मसाले डालेंगे, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं, बेसिक से मसाले डालेंगे, ज़्यादा मसालों की जरूरत नहीं है। इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, ये आधा चम्मच जीरा पाउडर डाला है और साथ ही इसके अंदर एक छोटा चम्मच नमक का डाला है। ये मसाले डालने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाएंगे, क्योंकि मैदा या कॉर्नफ्लोर वगैरह मैं नहीं मिला रही इसके अंदर। इसके अंदर मिलाएंगे गेहूं का आटा। तो फ्रेंड्स, ये 3 से 4 चम्मच इसके अंदर बाइंडिंग के लिए गेहूं का आटा जाएगा और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाहो तो आप हाथ से मिक्स कर लो, कुछ इस तरह से हाथ से मिक्स करोगे ना तो थोड़ा सा आसानी से आपको ये मिक्स हो जाएगा। अब ये नमक डाला तो पानी भी छोड़ेगा। आटा हमने इतना डालना है कि इसकी बाइंडिंग जो है हो जाए अच्छे से। तो आप इसकी जगह मैदा यूज़ कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं, बट मैं ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर रही, मैं गेहूं का आटा यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा जुड़ने लग गया आपस में, ये देखो ऐसे जुड़ने लग गया, क्योंकि पानी है ना, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी हो जाता है नमक डालने से, ये रिलीज़ करता है पानी, तो थोड़ा सा गेहूं का आटा, तो ये जो है बाइंडिंग जो है इसकी बाइंडिंग होनी शुरू हो गई है। ये देखो इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो रही है, ठीक है, हमें ऐसी ही कुछ बाइंडिंग करनी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं तवा मैंने रख लिया है गैस पे, मैंने जो है नॉनस्टिक तवा लिया है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, किसी पे भी बन जाएगा। थोड़ा सा घी लगा देते हैं, ये ज़्यादा घी नहीं लगाएंगे क्योंकि नॉनस्टिक तवे पे ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा इसको हम फैला लेते हैं, तो इतना हमने फैला लिया है। तो अब इसको हम कुछ इस तरह से बना के, आप ये देख रहे हैं ना, जैसे टिक्की होती है, कुछ इस तरह से बना के हमने इसके ऊपर रख दिया है। तो ऐसे 3-4 बना लेते हैं हम। साइज आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। ये देखो जैसे टिक्की होती है वैसे एक बार हम इसको बनाएंगे, इसके बाद अगला प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें अगर आपने रेसिपी को समझना है। तो ये 4 पीस मैंने रख दिए हैं। थोड़ा सा इसको हम एक साइड से पकने देते हैं, थोड़ा सा पक जाने देते हैं, उसके बाद इसको हम पलट लेंगे। वैसे तो मेरे साइड पे भी आ जाएंगे, बाकी के पीस भी आ जाएंगे। अब ये देखिए मेरे 1-2 पीस और बनेंगे, तो मैं पूरे ही डाल देती हूँ इसके ऊपर। ये सारे पीस हमने इस तरह से रख दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम पलट लेते हैं, जो हमने पहले लगाए ना उसको पहले पलट लेते हैं थोड़ा सा। आप ये देख रहे हैं, वाह, एक तरफ से पक चुका है ना, तो अब ये पहले वाले ना ये अच्छे से पक गए हैं, बहुत ही अच्छे बन के ये तैयार होते हैं। अब हम यहाँ पे ना फ्लेम को कर देंगे थोड़ा सा कम, ये मैंने थोड़ा सा लो फ्लेम कर दिया है। अब इस तरफ हमने करना क्या है फ्रेंड्स, अब इस तरफ हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा चीज़। पहले सबसे पहले हम सॉस डाल लेते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा सॉस डाला है सारे पीस के ऊपर। आप पिज़्ज़ा वीज़ा सब भूल जाएंगे, जब एक बार ये खा लेंगे ना आपको रोज़ ही बनाने का मन करेगा। तो ये मैंने सॉस लगा दिया है। अब सॉस लगाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे हम थोड़ा सा चीज़ डालते हैं, मोज़रेला चीज़ होता है ना मेरे पास ग्रेट किया हुआ अमूल का, आपके पास अगर कोई भी है तो आप डाल सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर दी है ताकि नीचे से ना जले नहीं, जब तक हमारा ये प्रोसेस पूरा नहीं होता। ये हमने चीज़ रख दिया है। अब इसके ऊपर फ्रेंड्स हम छोटे छोटे पीसेस करके रखते हैं पनीर के। अगर आप पनीर खाते हैं तो आप रख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पसंद तो पनीर को स्किप कर सकते हैं। ये पनीर का पीस मैंने रखा है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हम रखेंगे 1-1 टमाटर ऐसे। फ्रेंड्स, आप एक बार जब खाएंगे ना तो
तो खाते ही रह जाएंगे आप, देखेंगे कि कितना टेस्टी है ये चीज़, बहुत टेस्टी बनती है। तो ये हमने रख दिया टमाटर। तो अब फ्रेंड्स टमाटर रखने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ और डाल देते हैं टमाटर के ऊपर। अगर आपके पास दूसरा है तो आप ग्रेट करके डाल सकते हैं, बट मेरे पास ग्रेटेड है तो इसलिए मैं ये अमूल का ही डाल रही हूँ। बाकी सारी चीज़ें आपको घर में मिल जाएंगी फ्रेंड्स, लेकिन चीज़ आपको लेना पड़ेगा क्योंकि बच्चे जो चीज़ तो बहुत ही खुश हो खाते हैं और बच्चों के लिए स्पेशल रेसिपी है ये। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, ये थोड़ा सा हमने चिली फ्लेक्स डाल दिया है। और अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑरिगेनो डालेंगे। मोज़रेला चीज़ में नमक तो ऑलरेडी फ्रेंड्स होता है, तो अब हमने इसको कर देना है कवर। एक दो मिनट पकने देते हैं, फिर देखते हैं एक मिनट लगेगा या दो मिनट हार्डली। फ्रेंड्स दो मिनट हो गए हैं, क्यों ना चेक कर लिया जाए। वाओ, आप देख रहे हैं चीज़ जो है हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है और नीचे से भी ये पूरी तरह से अच्छे से पक गया है। मैं नीचे से आपको पलट के दिखा नहीं सकती, लेकिन इतना क्रिस्प लग रहा है ना, बहुत क्रिस्प लग रहा है, बहुत ही अच्छा। इस तरह से इसको हम सुबह क्या नाश्ता हो या भूख लगी हो शाम को, तो वाओ आप बना के एक बार ज़रूर खिलाएं अपने बच्चों को। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, तो बहुत इजीली ये बन जाता है। आपने देखा ही है कि कोई भी दिक्कत नहीं है बनाने में। तो इसे सॉस के साथ, चटनी के साथ, जैसे भी आप सर्व करना चाहें आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप एक बार इसे मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुंचे और आप इजी से इजी रेसिपी का फ़ायदा उठा सकें। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको इजी से इजी रेसिपीज दूं और जो कम टाइम में बन जाए और बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नई और इजी रेसिपी के साथ। ओके बाय, टेक केयर।